बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ईडी के ऑफिस पहुंच गई है। रिया को ईडी ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया। वो सिर पर सफेद दुपट्टा ओढ़े नजर आए। रिया के पिता और उनके भाई उनके साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। मालूम हो कि सुशांत मामले में ईडी ने रिया को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन रिया ने ईडी के सामने पेश न होने की अपील की थी। रिया ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद वो आएंगी, लेकिन अपील को ईडी ने खारिज कर दिया, इसलिए रिया को ईडी के ऑफिस पहुंचना पड़ा। रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की भी ईडी पूछताछ की प्रोसेस शुरू कर चुकी है। खबरें हैं कि शौविक सुशांत की दो कंपनियों में डायरेक्टर है, वही सीबीआई ने भी इस केस की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में रिया के पिता, भाई और माँ का नाम भी शामिल है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।